अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ ज़ुबैर अली। आज हम आपको सिखाएंगे कि ब्रेड बोर्ड क्या होता है, उसकी कनेक्शन किस तरह होती है। ये एक ब्रेड बोर्ड है, मैं आपको समझा दूँ। ये एक ब्रेड बोर्ड है, ये हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। ये जैसे हम, अगर आपको कोई कहे कि आप क्रिकेट खेलें, तो आप कहोगे पहले तो क्रिकेट के लिए मेरे पास साजो सामान हो क्रिकेट का, उसके बाद ग्राउंड हो मुझे जहाँ पर मैं जाके क्रिकेट खेलूँ। तो इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी में जब भी हम कोई चीज़ बनाने जाते हैं, तो पहले हम रखें कि हमारे पास सामान अवेलेबल है या नहीं है, उसके बाद वो सामान किस चीज़ पे जोड़ें या कहाँ पे उसको परफॉर्म करें, उसके लिए ग्राउंड होना ज़रूरी है। तो आप ऐसा समझ लें जैसे क्रिकेट के लिए ग्राउंड होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के लिए ये एक ऐसा ग्राउंड है जिस पर हम विदाउट सोल्डर लेस कनेक्शन कर सकते हैं और टेम्पररी कनेक्शन। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आपको कोई एक रेक्टिफिकेशन का प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है, तो अगर आपके पास सामान अवेलेबल है, तो आप वहाँ सामान कहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, तो आपके लिए ग्राउंड होगा। तो आप क्या करोगे, उसकी टेम्पररी कनेक्शन करेंगे और उस पर आप देखेंगे कि वाकई आपका जो सर्किट है वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा। उसमें क्या है, इसमें आपकी कनेक्शन पोर्टेबल होंगी, वो टेम्पररी होगी। अगर आपका सर्किट काम नहीं कर रहा, तो आपको एक्सटेंड करके उसको सही कर सकते हैं या उनकी जो वैल्यूज़ निकाल सकते हैं आसानी से। तो ये है एक प्ले ग्राउंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, जिसको हम यूज़ करके सर्किट सिस्टम कनेक्शंस करते हैं और किसी भी सर्किट को एज ए प्रूफ के लिए कनेक्शन करते हैं कि वाकई ये सर्किट काम करेगा या नहीं करेगा। अगर हमारा सर्किट कामयाब हो जाता है, काम करता है, तो हम क्या करेंगे, उसके बाद उसको दूसरे ब्रेड बोर्ड पर या किसी बैरो बोर्ड पर उसकी कनेक्शन जो है वो फुल टाइम परमानेंट कर देते हैं या कोई चीज़ बना लेते हैं। मगर यह है कि प्रैक्टिस पर्पज़ के लिए हम इस ब्रेड बोर्ड को इस्तेमाल करते हैं। आइए मैं आपको समझाऊं कि ब्रेड बोर्ड पे जो कनेक्शन होती है, उसमें दो लाइनें आपको नज़र आ रही हैं, होल्स हैं, काफ़ी सारे होल्स हैं। कुछ ऐसे होल्स हैं जो रोज़ में बने हुए हैं और कुछ ऐसे होल्स हैं जो वर्टिकल कॉलम की तरह बने हुए हैं। यहाँ पर ब्रेड बोर्ड के तीन जो है वो पोर्शन है, तीन पोर्शन। एक पोर्शन ये है, दूसरा ये पोर्शन है, तीसरा ये पोर्शन है। तो पहला और लास्ट जो पोर्शन है, ये फॉर सर्किट जो सोर्स के लिए इस्तेमाल होता है, कि ये आपका जो पूरा रो है, इसको आप एज अ सोर्स ले लें। ये आपका पॉजिटिव सोर्स है, या ऊपर वाले को नेगेटिव सोर्स ले लें, या दोनों ऊपर वाली रोज को आप एज अ पॉजिटिव सोर्स ले लें और नेगेटिव वाली जो पीछे लास्ट वाला पोर्शन है, उसको आप एज अ नेगेटिव सोर्स ले सकते हैं। रेड वायर इधर दे दें, ब्लैक वायर नीचे दे दें, तो आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद ये जो दो पोर्शंस हैं, इसमें आप सर्किट कम लगा सकते हैं, सर्किट लगा सकते हैं, सर्किट कंपोनेंट्स लगा सकते हैं, उसकी कनेक्शन कर सकते हैं यहाँ पे। तो मैं आपको ये समझाऊं कि ब्रेड बोर्ड की जो सर्किट की कनेक्शन होती है, ये जो कॉलम्स हैं हमारे, ये पूरे कॉलम्स कनेक्टेड हैं, शॉर्टेड हैं आपस में। ये एफ से लेकर जी तक आपस में शॉर्टेड है और ए से लेकर ई तक आपस में शॉर्टेड है। मतलब ये जो हमारे प्ले ग्राउंड की जो कनेक्शंस हैं, वो सारी आपस में कॉलम्स की तरह शॉर्टेड है। ये पूरे कॉलम्स की तरह शॉर्ट है, ये पूरा कॉलम शॉर्टेड है, ये पूरा कॉलम शॉर्टेड है, ये पूरा कॉलम। और जहाँ पे हम बात करें सोर्सेज की, तो सोर्सेज में ये हॉरिजॉन्टल वायर्स जो है आपस में शॉर्टेड है। इसका मतलब यह है कि एक आपके पास वायर है और उस वायर्स की आपके ऊपर क्या इंसुलेशन वो उतरी हुई है, वो आपकी मर्जी है कि जहाँ से भी उसकी कनेक्शन ले सकते हैं। ये वायर है पूरी फुल इंसुलेटेड है। अगर इसमें हम क्या करें, इसकी इंसुलेशन इधर से निकाल दें, इधर से निकाल दें, इधर से निकाल दें, इधर से निकाल दें और इनके ऊपर होल्स बना दें, तो क्या हो जाएगा, हम आसानी से इस वायर से आउटपुट ले सकते हैं और दे भी सकते हैं। तो ये भी इस तरह है, ये एक वायर है नीचे से और उसके ऊपर होल्स बने हुए हैं, इसी तरह हम उसकी कनेक्शन ले सकते हैं। आइए मैं आपको दिखा दूं कि जैसे मैंने आपको कहा, जो रोज़ है हमारी सप्लाई की, वो आपस में शॉर्टेड है और जो कॉलम्स हैं हमारे सर्किट की, वो आपस में शॉर्टेड है। कैसे चेक करेंगे, तो ये है हमारा एक मल्टीमीटर। ये मल्टीमीटर है जिस पे हम एट ए टाइम मुख्तलिफ चीज़ें जो इसको मैयर कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप करंट को मैयर कर सकते हैं, ए सी करंट हो या डी सी करंट हो। उसके बाद टेम्परेचर मैयर कर सकते हैं, रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं, कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं और एसी वोल्टेज डीसी वोल्टेज मेजर कर सकते हैं। ये आपकी नोब है, ये सिलेक्टिव है, ये सिलेक्टर है हमारा, जिस चीज़ में रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, करंट मेजर करना है तो उसको एज ए सिलेक्टर जो है उसको एसी करंट के लिए रखेंगे, या डीसी में कलर करंट मालूम करना है तो सिलेक्टर को
डीसी करंट वाले पोर्शन में रखेंगे तो हम करंट आसानी से मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसकी कनेक्शंस मुझे चेक करनी है, तो मैं क्या करूँगा इनकी कंटिन्यूटी चेक करूँगा कि वाकई इनके जो होल्स हैं वो रोस में और कॉलम्स में कनेक्टेड हैं या नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, इसकी जो कनेक्शन रखूँगा वो सिलेक्टिविटी पे रखूँगा कि जैसे ही शार्ट हो दो चीज़ें आपस में तो एक बजर बजे या यहाँ पे जीरो आ जाएगा। इसको ऑन करेंगे पहले, तो जैसे मुझे मेरे पास ये रेड और ब्लैक वायर है इन दोनों को शार्ट करूँगा तो बेल बजनी चाहिए इधर मेरे पास। तो ये देखें ये बीप दे रहा है कि आपकी जो कनेक्शन है वो शॉर्ट है। तो इसी तरह हम ब्रेड बोर्ड को भी चेक करेंगे कि आया हमारा जो ब्रेड बोर्ड है वो रोज में कनेक्शन है या नहीं है। कभी कभी आप जो डिफॉल्टेड आ जाता है बाजार से ख़राब हो जाता है, हमें पता नहीं चलता, हम सर्किट चलाते हैं चलता नहीं है। तो पहले हम कनेक्शन चेक करें। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक तार को इधर रख दिया है, जो कनेक्शन की तार है उसको मैंने लगा दिया इधर रोज़ में। तो यहाँ पे मैं चेक करूँगा कि ये रोज़ पूरी आपस में शॉर्टेड है या नहीं है। तो क्या करूँगा, इन दोनों को पकड़ कर देखूँगा कि वाकई ये शॉर्टेड है या नहीं है। ये देखें ये हॉरिजॉन्टल पूरी लाइन शॉर्टेड है। उसके बाद ये एक सेक्शन है इसका, ये इधर छोटा सा सेक्शन है, आप थोड़ा देख लें। इस सेक्शन के बाद ये आपस में शॉर्टेड नहीं है, तो ये अलग है इसका पोर्शन। तो इसको भी चेक करें, आप देखें कि इसका जो दूसरा सेक्शन है वो आपस में शॉर्टेड नहीं है। ये देखिए ओपन है, ठीक है। तो आप ऐसा करते हैं, ये सेक्शन है, सेक्शन वाइज इसको चेक कर सकते हैं ये शॉर्टेड है या नहीं है। उसके बाद आप क्या करें कि इसको देखें कि ये कॉलम्स इसके कनेक्टेड हैं या शॉर्ट है या नहीं है, जो सर्किट प्ले एरिया है उसका। ये देखें ये सर्किट का रो है वो भी आपस में शॉर्टेड है, वो कॉलम सॉरी सारे कॉलम्स आपस में शॉर्टेड होते हैं इसके। ये भी शॉर्टेड है आपस में, तो सारे कॉलम्स आपस में सर्किट के वो सारे शॉर्टेड हैं और जो सप्लाई के वो हॉरिजॉन्टल लाइन सारी आपस में शॉर्टेड है, मगर यहाँ पे एक सेक्शन होता है उस सेक्शन के बाद वो ओपन हो जाती है। तो हम क्या कर सकते हैं, इन सेक्शन को भी शॉर्ट कर सकते हैं अगर हम तार मिलाएं इनको दोनों को, कि फिर हमारी जो कनेक्शन हो जाएगी उधर। तो ये होता है हमारा ब्रेड बोर्ड जिस पर हम कनेक्शन करते हैं मुख्तलिफ प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करने के लिए इज़ ए एक्सपेरिमेंट तौर पे। अगर वो कामयाब हो जाता है तो फिर उसको हम जो है परमानेंट फिक्स कर देते हैं किसी भी सर्किट के लिए। आई होप आपको ब्रेड बोर्ड की कनेक्शन समझ में आ गई होगी। आगे जाके हम कुछ प्रैक्टिकल्स जो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स बेस्ड इस ब्रेड बोर्ड पर प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे तो आपको मेजरमेंट्स करके दिखाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।